दोस्तों आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा जो आपके लिए बॉक्स लेके आया एनएक्सी डिजिटल, इसका मॉडल नंबर CH8500MU। दोस्तों इन्होंने ये जो बॉक्स है ये कहीं तो बन के आया है, अभी रिपेयर होके तो बना के उन्होंने थक गए, उसके बाद से हमारे पास भेजे है, बोले सर आप चेक कर लीजिए एक बार। तो हम आपको दिखा रहे थे दोस्तों, ये देखिए ग्रीन हो रहा है फिर रेड हो जा रहा है, देखिए वोल्टेज भी इसका ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों ये बॉक्स ऐसे ही आया, देखिए ओपन आया है, ऐसा नहीं दोस्तों हमने खोला है, आपको नहीं तो बोलेंगे सर आप चेक करके बनाते हैं या जो बनने लायक होता होगा वही। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हम देखेंगे अभी ये बॉक्स में फॉल्ट क्या है, क्योंकि अभी जैसा ही है विदाउट स्क्रू आया है। देखिए हमारे पास कोई भी स्क्रू भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आपको लगेगा सर कि सर झूठ बोलते होंगे। देखिए ऐसे ही बॉक्स आया है, ये देखिए उन्होंने हीट भी मारा है, वॉश करके हीट मारा है, पेस्ट लगाया है यहाँ पे, जो कि अभी CPU का फॉल्ट है या IC का फॉल्ट है या क्या फॉल्ट है वो हम चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा ये लाइट बहुत ही स्लो हो गया, अभी फुल हुआ था और ऑटोमेटिक एकदम डप हो गया। तो अभी चेक करेंगे हम दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा 12 वोल्ट चेक करेंगे। तो देखिए हम जूम करके भी आपको दिखा देंगे आप दोस्तों, हम कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, एक एक IC के बारे में बताएंगे। दोस्तों क्या है कंपोनेंट IC के बारे में मैं विस्तृत रूप से बताते चलूँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे सर वीडियो भी बड़ा बनाते आप, तो शॉर्ट में हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में आपको बताएं, क्योंकि आप टेक्नीशियन खुद है सर, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया है, कौन सा IC चेंज किया होगा, क्योंकि आप खुद टेक्नीशियन है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट तो हमारा आया है, जो AIC हमारा कन्वर्ट करके यहाँ पे हमें देती है वो 5 वोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से ये जो हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे चेक करेंगे तो हम 5 वोल्ट जो हमें ये IC से 3.3 कन्वर्ट करके मिलता है, तो चेक करेंगे तो देखिए हमारा 3.3 के जगह पे 2.45 आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा ये फॉल्ट है, ये हमारा IC खराब है, जूम करके दिखा देता हूँ, ये IC हमारा खराब है, ठीक है दोस्तों। अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे, जो हमारा एक बूस्टर IC होता है जो हमें 1.1 करके देता है 5 वोल्ट से, तो देखेंगे हमारा ये 1.2 ये क्लियर हो गया। अभी हमारा एक रेगुलेटर है दोस्तों जो 3.3 से हमें 1.8 देता है, तो देखिए हमारा 3.3 से 1.8 के जगह पे 1.2 आ रहा, क्यों दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पे 3.3 है ही नहीं ना, मैंने आपको दिखाया ये वोल्टेज हमारा कम है, इसके वजह से यहाँ पे भी हमें कम मिलेगा। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो ये IC हाँ ये IC ही खराब है, क्योंकि देखिए मेरे को लगा सक दोस्तों ये गर्म हो रहा है, लेकिन गर्म नहीं हो रहा, फिर भी इसे तोड़ सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे तोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो हमें यहाँ पे चेक करना है दोस्तों, हमारा वोल्टेज 3.3 आना चाहिए। तो अभी हम ये कंडीशन में हम ये IC को चेंज करेंगे, तो आइए हम चेंज करते हैं दोस्तों IC को पहले। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले ये हमारा जो कैपेसिटर होते हैं यहाँ पे इसके बगल में, उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि दोस्तों हम जो भी काम करते हैं आयरन से काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ब्लोअर मशीन गन से बहुत कम ही काम करते हैं, इसके लिए ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं निकालना चाहते तो आपके ऊपर है दोस्तों, हम तो निकाल देते हैं यहाँ से। और अभी हम ये IC को यहाँ से हटा देंगे, ये देखिए दोस्तों ये हमने IC को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो रजिस्टर हैं और कैपेसिटर हैं, यहाँ पे दो कैपेसिटर होता है दोस्तों और 3 रजिस्टर होता है, इन्हें भी थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देंगे, जिससे इसमें भी थोड़ा सा अच्छे से सोल्डरिंग हो जाए, प्रॉपरली वर्क करे हमारा। और एक दोस्त का हमारा YouTube पे कमेंट आया था, सर आप कंपोनेंट के बारे में कंपोनेंट का नाम नंबर बताइए, तो सर मैं आपको बता देता हूँ, मैं बताऊँगा उसके बारे में भी बताऊँगा, बट वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा सर, तो आप खुद चेक कर सकते हैं, आप टेक्नीशियन है तो आप दोस्तों खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि कहाँ से क्या फॉल्ट होते हैं, उतना बता दें तो आप खुद टेक्नीशियन है दोस्तों तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे पास एक IC है, हम बॉक्स से ही निकालते हैं दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था, हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों, हमारे पास कोई भी नया चीज़ नहीं आता है, हम बॉक्स से ही निकालते हैं। तो इसका नंबर बताना थोड़ा दोस्तों कठिन हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, इसका नंबर है 4039V, इसका नंबर होता है।
ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आईसी है जो बैक साइड में दो होते हैं, फ्रंट में तीन होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है, इस साइड भी इस साइड भी। और अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे एक बार। तो दोस्तों देखिए, हमारा वोल्टेज क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारा 3.3। तो देखिए दोस्तों, हमारा 3.3 यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये आईसी हमारा खराब था, वीक था। ये जो हमने आईसी लगाया था यहाँ पे, ये वीक था इसके लिए। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 3.3 यहाँ पे भी आ गया दोस्तों, 1.8 यहाँ पे भी आ गया। तो दोस्तों, ये हमारा बॉक्स चालू हो गया है। अभी मैं चेक करता हूँ एक बार, चालू हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको दिखाया एक आईसी खराब था, और उन्होंने दोस्तों पूरा सीपीयू को हीट मार दिया था। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे जरूरी है वो है हमें वोल्टेज का ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ दोस्तों, कुछ भी रहे आप हमें कमेंट करते रहिए, हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो करके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।